वेलकम टू नेशनल कप पाकिस्तान सीजन 4। हमारी रिवायत रही है आपको पाकिस्तान की हसीन वादियां, लहलाते खेत और उसका असल हुसन दिखाना। हस्ब रिवायत इस बार भी हम शुमाल से जनूब तक सफर करेंगे, लेकिन इस सफर को और भी मजेदार बनाएंगे अपने लोग, अपनी रिवायतें और अपने खाने। कहते हैं कि अगर जन्नत का कोई टुकड़ा ज़मीन पे होता तो शायद वो कश्मीर जैसा होता, इसलिए इसको कहते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि कश्मीर को एक्सप्लोर करूं, एंड फाइनली आई एम हियर मुजफ्फराबाद। देखने में बहुत खूबसूरत, येट टू एक्सप्लोर अलॉट, कम एंड जॉइन एंड लेट्स एक्सप्लोर कश्मीर। बशीर साहब, ये कितना पुराना इलाका होगा? ये तकरीबन कोई 200 साल पुराना है। अच्छा, ये माला। मुझे बताएं कि कश्मीरी कल्चर के अंदर ये कुलचे का, बाकर खाने का, इनका क्या 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 कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट यही, मतलब ये सुबह के नाश्ते पर हम लोग लेते हैं। अच्छा जी जी, हमारा मतलब ये कल्चर में सुबह का नाश्ता सर नमकीन चाय, सब्ज़ चाय के साथ, मतलब एक कुलचा, बाकर खानी, ये उसके साथ। तो आपका भी यही नाश्ता आजकल? जी, हमारा भी यही नाश्ता है, हमारे शहर का ही, बल्कि ये पूरे शहर का ही नाश्ता है। ये बड़ी मजे की बात है, पूरे शहर का नाश्ता यही है। अच्छा, ये जो तंदूर है ये डिफरेंट है, आपका जमीन पे लगा हुआ है तंदूर है, भट्टी कराई गई है? जी, बस ये भट्टी के किस्म का भट्टी है, भट्टी समझें। नमकीन कुलचा, स्पेशल कुलचा, मीठा कुलचा, तीन चीज़ लिखी हुई है। ये कौन सा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? ये नमकीन है। अच्छा, नमकीन है जी जी। और ये क्या आटे में क्या होगा जी? इसमें मैदा होता है। खस्ता है काफी है जी जी, नमक होता है, घी होता है। अच्छा, और कुछ मतलब है? छुपा के रखते चीजें? नहीं नहीं, और कोई नहीं, अंडे वगैरह इसमें रखते हैं जी। स्पेशल कुछ वो भी इसी का कुछ होगा? इससे जरा मतलब है, इससे मसाला जात से समझो, जरा बेहतर होगा, बेहतर होता है। सर ये है बड़े मजा, खस्ता है, और मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो चाय से डुबो के खाना इसको। चलो जी, चाय से डुबो के खाते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। Let's try this. खस्ता है, बहुत मीठे नहीं है, लग रहे थे मुझे नान कढ़ाई जैसे, लेकिन बहुत डिफरेंट नान कढ़ाई से, हल्के हैं, दे आर लाइट, नान कढ़ाई बड़ी हैवी होती है, बट दे आर गुड। ये एक छोटी सी बारादरी है जो कि याद दिलाती है पुराने वक्तों की। कहते हैं कि राजा रणबीर सिंह ने ये तामीर करवाई थी, आई एम श्योर उस वक्त नहीं, इसके अतराफ़ में और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, खुशनुमा जगह होगी, लेकिन क्योंकि अभी शहर का एक बीच का हिस्सा है तो उस थोड़ा सा रोड से उतर के आपको आना पड़ेगा। लेकिन हसीन बात यह कि इसके साथ एक दरिया बह रहा है जो कि दरिया झेलम है कहते हैं, कुछ लोग इसको दरिया खूनी दरिया भी कहते हैं, लाल पानी है इसका, और आगे जाके एक मिलन है जो कि दरिया नीलम और दरिया झेलम को दोनों को साथ मिलाता है। आप बाकायदा देख सकते हैं कि लाल दरिया और सफ़ेद दरिया एक साथ बहते हुए आगे जाएंगे, फिर आगे जो होगा, लेकिन बड़ा अच्छा नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है ये। मदीना मार्केट टिपिकल मार्केट है जहाँ पे ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, खासतौर पर ख़वातीन के, मतलब कि हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, गुंजान आबाद शॉपिंग एरिया। पश्मीना लॉन और कश्मीरी शाल यहाँ पे मुनफरद हैं जो नज़र आ रही है, कहते हैं जम्मू से लाई जाती हैं। आगे घर के लिए कुछ ना कुछ सुवेनियर तो बनता ही बनता है, वो मैं देखता हूँ क्या लेके जा रहा हूँ आज। कश्मीरी मेन डिश जो कि बड़े इम्पोर्टेंट ऐसे रखती है यहाँ पे कश्मीर के अंदर, गुश्ताबा। इसको यखनी कह रहे थे, बट ये जैसे सफ़ेद सालन में कहूँगा, दही से बनाया हुआ है, और ये कोफ्ते हैं इसके अंदर। कहते हैं यहाँ की शादियाँ कंप्लीट हैं गुश्ताबे के बगैर। भाई डेलिकेट मीट, क्या करते हैं, चॉइस ऑफ मीट, बीफ मटन जो आपको पसंद हो उसको हथौड़े के साथ ये मसलते हैं, बहुत ज़्यादा कूटते हैं और बहुत टेंडर हो जाता है। उसमें वाइट पेपर, इलायची डाल के इसके कुछ कोफ्ते बनाए जाते हैं, और उसको भी यखनी में उबालते हैं।
बेसिकली ये वहाँ से उबालने के बाद लोग ले जाते हैं, चाहे उससे वो पालक के कोफ्ते बनाएं, या जैसे मैं यखनी खा रहा हूँ सफ़ेद यखनी ये बनाएं, या फिर घर में सालन बनता है उस तरीके से। मुझे बहुत शौक था गुश्ताबा खाने का, तो फाइनली आई एम हैविंग गुश्ताबा। कहते हैं कि इसको जो बनाते हैं वह आसान कहलाते हैं, वो जो ख़ास बावर्ची होते हैं वो शादियों के लिए इसको बनाते हैं। शादियों में इसकी बड़ी अहमियत है, इसके बगैर शादी इनकम्प्लीट है यहाँ पर। ये किला फन तामीर की खूबसूरत मिसाल है। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी हियर, वेलकम टू रेड फोर्ट। में चक डायनेस्टी ने ये किला अपनी हिफाजत के लिए बनाया, मुगलों से बचने के लिए। और जैसे किले बनाए जाते हैं फिर उन पर हमले भी होते हैं, फिर वो दूसरों के हाथों में जाते हैं। 1646 में मुजफ्फर खान ने इस पर राज किया। मुजफ्फर खान के बाद अकबर बादशाह और उसके बाद डोगर राज ने यहाँ पे हुकूमत की। इस जगह को शायद जंगों ने इतना नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन जो जलजला यहाँ पे आया सबसे बड़ा नुकसान उसमें हुआ। अब इसकी यादें ही कुछ रह गई हैं यहाँ पे, लेकिन अच्छी यादें, आप देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, खूबसूरत जगह लगेगी आपको। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मुजफ्फराबाद शहर का एरियल व्यू बहुत हसीन लगता है। कश्मीर की एक साइड तो डिस्कवर कर ली है, अब दूसरी साइड एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। लेट्स होप कि वो भी इतनी खूबसूरत हो जैसे ये हिस्सा कश्मीर का। चलें। चलो भैया अल्लाह हाफिज़। ओए होए, एक लंबा सफ़र, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन बदल के फाइनली मुझे एक क्यूट सी गाड़ी मिली मीरपुर लाने के लिए। मीरपुर को डिस्कवर करना है, सुना बहुत इसके बारे में, लेट्स एक्सप्लोर मीरपुर। वेलकम टू लिटिल इंग्लैंड। वेल, इंग्लैंड तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा शहर है जिसको लिल इंग्लैंड के नाम से पहचाना जाता है। यह है मीरपुर कश्मीर के अंदर। बेसिकली इसकी पूरी हिस्ट्री है जिस वजह से ये मीरपुर न्यू इंग्लैंड के नाम से मशहूर है। कुछ अरसे पहले, वेल काफ़ी अरसे पहले, कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम में काफ़ी लोग यहाँ से वॉर पर गए थे और वहीं रह गए, फिर उन्होंने वहाँ पर सेटलमेंट कर ली। उसके बाद एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जब मंगला डैम बन रहा था तो यहाँ से माइग्रेट करके लोग इंग्लैंड चले गए। तो इस वक्त जो इंग्लैंड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तानीज की जो है, जो पाकिस्तानी निजात कहलाते हैं, वो बेसिकली उनका ताल्लुक मीरपुर से। तो आई मीन मीरपुर इट्स अ लवली सिटी, छोटा सिटी है लेकिन है बड़ा प्यारा। ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे थे तो मैंने बड़ा सेफ प्ले किया। नमकीन और मीठे चावल मैंने कहा मैंने खाए हुए हैं, क्या तो उसके ऊपर हम चने के साथ भी खाते हैं, चना कोफ्ता, चना अंडा उसके साथ भी खाते हैं, और श्री पाए के साथ भी। मैंने कहा नहीं, श्री पाए टू मच। तो आई इस प्लेस सेफ, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया। साथ में उन्होंने रायता दिया है मुझे, रायता वो प्याज कच और खीरे के साथ। इसको भी मिला के देखते हैं। बाद में चने का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद उन्होंने कहा मिक्स कर लें इसको, तो कोई बहुत ज़्यादा मिठास नहीं आ रही है, बल्कि उसका अच्छा फ्लेवर आपको बैलेंस कर रहा है। वुड से नॉट अ बैड आइडिया। मैंने बहुत पराठे खाए, कीमे वाले, आलू वाले, वेरी टेस्टी, बोरिंग नहीं है, ठीक ठाक मसाला है, चटपटा है, बल्कि वुड से थोड़ा सा मिर्चों की तरफ है। आई डिडंट नो कि यहाँ पे इतनी मिर्चें खाई जाती हैं। धनिया, जीरा, कीमा, फीलिंग है। मैं इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं खाने की, मैं कहूँगा कश्मीरी पिज़्ज़ा कहें इसको आप, गाय बगाए ये शॉप्स आपको बहुत मिलेंगी। और कश्मीरी ट्रेडिशन के अंदर ये कश्मीरी रोटियाँ, पराठे या कुलचे बड़े इंपॉर्टेंट है। काफ़ी रेस्टोरेंट्स जो कि बना रहे होते हैं, और देखिए इससे फ्रेश आपको मिल नहीं सकता कि तंदूर पर बैठ के आप खाएँ, साथ में ठंडी ठंडी ज़बरदस्त किस्म की लस्सी हो, नथिंग लाइक इट।
کشمیر میں ہر جگہ خوبصورتی خوبصورتی ہے، چاہے آپ کسی بھی علاقے سے گزریں آپ کو اتنے سینک ویو ملیں گے کہ آپ کو دل چاہے گا گاڑی فوراً روک دیں۔ دلائی کے علاقے میں مجھے لگا کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک نہر ہے، پانی گزر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک تیز بہاؤ پانی کا، اور اس میں چیئر لفٹ جو ہے وہ کچھ دور سے جو نظر آ رہا ہے کوئی آدمی ہاتھ سے اس کو چلا رہا ہے، الیکٹرک نہیں ہے، یہ رسکی ہے، بٹ بسم اللہ کر کے میں آج ٹرائی ضرور کروں گا اس کو۔ سمندر کی اپنی خوبصورتی ہے، دریا کی، نہروں کی، ندی کی اپنی خوبصورتی، تو مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ آبشاریں۔ آئی تھنک آبشار کا ایک اپنا خوبصورتی ہے کہ جس اوپر سے پانی سے گر رہی ہوتی ہے، پھر کانسیپٹ کہ کہاں سے پانی پگھل رہا ہے، برفوں کا گر کے آ رہا ہے، اور جس طرح انہوں نے جگہ کو یوز کیا ہوا ہے، اسٹاپس بنا کے لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا کہ ریسٹورینٹ یہاں پہ لگا سکیں، نتھنگ لائک کہ ایسی ٹھنڈی جگہ پہ جہاں پہ خوبصورت موسم ہو، جس کو لوگ سہانا موسم کہتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بادل ہیں، پانی آبشار آپ کے ساتھ گر رہا ہے، گرم گرم چائے، اور یہاں کے آلو کے پکوڑے جو کہ فرینچ فرائز لائک ہیں، کچھ چاٹ مسالے کے ساتھ، نتھنگ لائک اٹ۔ ایک بہت بڑی پاپولیشن کشمیریز کی انگلینڈ میں جا بسی کافی عرصے پہلے، کہتے ہیں کہ راول ڈیم جب بن رہا تھا تو بہت بڑی پاپولیشن یہاں سے، خاص میں میر پور کی پاپولیشن وہاں جا کے بس گئی۔ تو انگلینڈ کے کھانوں کے اندر پہلے جو نمبر ون ڈش تھی وہ تھی فش اینڈ چپس وہاں کی۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے چیک کیا تھا دو چار سال پہلے، چکن ٹکا مسالہ، دے کال اٹ چکن ٹکا مسالہ، یہ پھر ایک نئی ڈش جو کہ لوکل ڈش تھی اور انڈین پاکستانی انفلوئنس ڈش تھی، یہ نمبر ون پہ آ گئی کیونکہ اس کی بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی۔ ہم آج آپ کو نئے ٹوسٹ کا بنانا دکھائیں گے کیسے ہم بنائیں گے اس کو چکن ٹکا مسالہ۔ پہلا سمپل کام، اس کو ہم دو طریقے سے بنائیں گے۔ پہلا، چکن ٹکے کو میرینیٹ کریں گے تاکہ وہ ایک چکن ٹکے کا الگ مسالہ آئے، اور اس کے لیے مجھے کیا چاہیے، چکن یہ ہڈی کے بغیر لے لینا زیادہ بہتر ہے، اور نیشنل کا چکن ٹکا مسالہ۔ اچھا، تھوڑا سا میں اس میں آئل پور کرتا ہوں جس سے انف کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے میرینیٹ کر جاتا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو چیز مجھے بہت پسند ہے وہ ہے لیمن جوس۔ اس میں لیمن جوس کا بڑا مزہ آئے گا۔ اچھا، گھر پہ ہوں تو آپ آرام سے کوئی آدھا پون گھنٹہ دیں اس کو چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے۔ وین یو آن دا گو اس طرح کی جگہ پہ میں کوئکلی اس کو میرینیٹ کر کے یوز کر لوں گا، اور اوکے ایک اس میں ڈال دوں خوشبو کے لیے، اور میرے پاس سیخ بھی ہے۔ اچھا، اس کو اچھی طرح سے مسالے کو مکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، یوزلی اگر آپ دیکھیں تو لوگ اس طرح سے چکن کو ہینگ کرتے ہیں، چکن کی اس کو کوشش کریں اس کو لمبان میں کریں تاکہ اس کا بہت زیادہ سے زیادہ حصہ آپ کی، اور یہ ہینگ نہیں کر رہا، صحیح۔ فرائنگ پین کو یا کڑھائی جو بھی آپ یوز کر رہے ہو اس کو ہم آگ پہ رکھ لیتے ہیں، اور پیاز کے میں تھوڑے سے کیوبس کاٹ لیتا ہوں، اور یہ کھڑے مسالے کا سمجھے یہ چکن ٹکا مسالہ ہے، جس میں میں لہسن کو سلائس کر لیتا ہوں، ادرک، اچھا اس کو بھی ہم رف چاپ کر لیں گے۔ اس میں تھوڑا سا آئل لیتے ہیں، اس آئل میں جو ہم نے لہسن، ادرک، پیاز تینوں کو ڈال کے ہلکا سا اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں، اور مین وائل مجھے کچھ ٹماٹر چاہیے۔ ٹماٹر کے لیے ٹماٹر کو ہم کیوبس کر کے کوشش کریں، ٹماٹر کا اگر گودا الگ کر لیں وہ ہم یہاں یوز کر لیں گے، ٹورڈز دی اینڈ میں ٹماٹر کے چھلکے وہ ڈالوں گا تاکہ یہ سارا کھڑے کھڑے رہے۔ اوکے جی، مین وائل یہ آپ کے فرسٹ کلاس یہ فرائی ہو رہی ہے، اس میں ٹماٹر کا جو گودا ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں اس کے اندر۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ ہماری چکن زبردست۔ اچھا، اب اس کو ہم آئیڈیا ہے کہ اس میں ٹماٹر پیاز ذرا کھڑی کھڑی رہے۔ اوکے جی، اب اس میں ہم کیا کریں گے، نیشنل کا سالن مسالہ، اس کو بعد میں یوز کر لیں گے، پر دہی میں نے رکھی ہوئی ہے، دہی کے ساتھ اس کی بھنائی کروں گا۔ فرسٹ کلاس ہمارا مسالہ بھن گیا، اب اس کے اندر کیا کریں گے،
साइड में रखी हुई जो हमारे पास अभी भी गर्म थी वैसे। चिकन की बोटियाँ ये इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी क्रीम, थोड़ी सी क्या, दिल खोल डाले। फॉरेस्ट फ्लेवर मुझे लगता है नेचुरल का टोमेटो केचप ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा राधर एन चीनी, और बहुत ज़्यादा नहीं, अबाउट टेबल स्पून, और बहुत अच्छा कलर भी लाएगा। ग्रेट, ओके जी, सो वी ऑलमोस्ट डन। बस थोड़ा सा इसको बस ज़रा ज़बरदस्त नाइस एंड थिक ग्रेवी तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा चूल्हे हटा लूँ, जैसे आपका दिल चाहे सर्व करे। अंदर को मुझे बन मिले, गिव अ ट्राई। ओह ट्रस्ट मी, इतने खूबसूरत मौसम में इससे मज़ा डिश नहीं हो सकती थी। वेल आई हैड अ वंडरफुल टाइम, खूब घुमा, खूब फिरा, खूब खाने खाए, और यहाँ के पता चला कि इसको जन्नत नज़ीर वादी क्यों कहा जाता है। इतनी खूबसूरत जगह कहाँ मिस कर सकते हैं। एक बात और मुझे यहाँ के मालूम हुई, वो ये कि यहाँ के लोगों को आप कैद नहीं कर सकते, सिर्फ एक प्यार की ज़बान इनको चाहिए और मोहब्बत, और आप इन पर राज करेंगे। खैर जनाब, ये था मेरा सफ़र कश्मीर का। उम्मीद है आपके साथ मुलाकात होगी किसी नई लोकेशन पे, नए फूड्स के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ बलूचिस्तान में उसके दिल, मकान कोस्टल हाईवे पे। बलूचिस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो कि कदीम हैं और देखने से ताल्लुक रखती हैं। जिगेंटिक साइज के बड़े बड़े जहाज हैं। हम बकरे को मैरिनेट कर लेते हैं।